हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी ज्ञान फॉर यू चैनल। अगर आपके पास अभी भी कोई नॉलेज ड्यू है तो उसके लिए आईटी ज्ञान फॉर यू है। आजकल कई सारे वेबसाइट में आपने साइन अप, रजिस्टर, क्रिएट अकाउंट, साइन इन, लॉग इन ये सारे ऑप्शन देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं ये सब होते क्या हैं। पहले देखते हैं साइन अप, रजिस्टर या क्रिएट अकाउंट क्या होता है। ये तीनों का काम सेम है, बस नाम अलग अलग हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ आपको कुछ सर्विसेज को पाने के लिए आपको साइन अप या रजिस्टर करने बोलता है, इसका मतलब वो आपसे उस साइट में मेंबर बनने बोल रहा है। आपको मेंबर बनाने के लिए वहाँ आपसे कुछ डिटेल मांगता है, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपसे एक आईडी और पासवर्ड बनाने कहता है, ताकि अगली बार आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के उस वेबसाइट की सर्विस ले पाएँ। अब एक एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो आप किराए में घर लेना चाहते हो, तो मकान का मालिक मकान की चाबी आपको देने से पहले आपकी कुछ डिटेल ले के रखता है और आपको मकान की चाबी देता है, ताकि अगली बार आप मकान उस चाबी से खोल पाओ। यहाँ वेबसाइट मकान मालिक है और चाबी का मतलब आईडी पासवर्ड है। तो अब जब अगली बार उस मकान में जाओगे तो आपको मालिक को फिर से डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही दे चुके हो और चाबी आपके पास है। तो आप मकान में जाने के लिए चाबी का उपयोग करोगे। वैसे ही किसी साइट में एक बार साइन अप या रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से अगली बार वहाँ साइन अप या रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको साइन इन या लॉग इन में जाके आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है। किसी किसी वेबसाइट में आपको साइन अप के समय आईडी पासवर्ड खुद बनाना पड़ता है, किसी किसी में मैसेज या मेल में आता है, किसी में ईमेल ही आईडी रहता है और पासवर्ड बनाना रहता है। तरीका कुछ भी हो, बस आपको आईडी पासवर्ड मिलना चाहिए। कई लोग साइन अप या रजिस्टर करते वक्त, पासवर्ड बनाते वक्त कई गलतियां करते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। वह वीडियो भी आप जरूर देखें, जिससे आप वो गलतियां ना करें। अब देखते हैं साइन इन या लॉग इन क्या है। साइन इन या लॉग इन दोनों का काम सेम है। दोनों का काम आपको दरवाजे तक पहुँचाना है, जहाँ चाबी लगा के आप कमरे के अंदर घुस सकते हो। और अगर आपके पास चाबी नहीं है तो ऊपर बताया गया प्रोसेस करके आपको चाबी लेनी होगी। मतलब लॉगिन या साइन इन बटन में क्लिक करके आप वेबसाइट में उस स्क्रीन पे पहुंच सकते हो, जहां पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के वेबसाइट के अंदर घुस सकते हो। और आईडी पासवर्ड नहीं है तो साइन अप या रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड बना सकते हो। साइन इन और लॉगिन में क्या अंतर है? साइन इन और लॉगिन दोनों दरवाजा हैं, जहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के आप अंदर घुस सकते हो। यहाँ अंतर बस ये है कि साइन इन से अंदर घुसने पे अंदर आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती है, आप क्या कर रहे हो कोई नहीं देखता। लेकिन लॉगिन में अंदर घुसने पर अंदर आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करके कमेंट किए, तो वो कमेंट आप और आपके फ्रेंड्स कभी भी देख सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, साइन इन और लॉगिन तो अलग अलग कमरे के दरवाजे हैं, बस साइन इन वाले कमरे में कैमरा नहीं है और लॉगिन वाले कमरे में कैमरा लगा है। अब देखते हैं कि साइन अप या रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, साइन इन फ्री है या पैसा लगेगा। ये वेबसाइट पे निर्भर करता है कि साइन अप या रजिस्ट्रेशन फ्री है या पैसा लगेगा। लॉगिन और साइन इन फ्री रहता है। एग्जांपल के केस में रूम का चाबी आपके पास है तो रूम में घुसने के लिए आपको पैसा थोड़ी देना पड़ता है, पैसा आपको चाबी पाने के लिए देना पड़ता है। अधिकतर वेबसाइट में साइन अप और रजिस्ट्रेशन फ्री होते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया पता चला होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।